गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सभी लोग कक्षा 10 का जैव प्रक्रम के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ेंगे, पाचन। देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब पहले समझ लेते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जो समस्त जीवों के अंतर्गत होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी भी जीवन जीने के लिए प्रक्रियाएँ होती हैं वह सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण होता है पाचन। तो उसके पहले मैं पोषण की बात कर लेते हैं कि आखिर में पोषण क्या होता है। सभी लोगों को ये मालूम है कि जितने भी जीव होते हैं उनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, काम करेंगे तो एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस के लिए हम लोग एनर्जी को गेन करेंगे, यानी एनर्जी पाएंगे कहीं ना कहीं से। तो होता क्या है, पोषण के अंतर्गत आता है कि हम पोषक पदार्थों को लेकर के उनसे एनर्जी प्राप्त करना और जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको बाहर निकालना, ये जितनी भी प्रक्रिया आती है ये सभी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, पोषण के अंतर्गत का एक पार्ट होता है पाचन। पाचन, ठीक है, पाचन खाना पचेगा फिर अपने अपने अंगों में जाएगा, यानी स्वांगीकरण होगा, फिर श्वसन होगा यानी दहन क्रिया होगी जिसके फलस्वरूप एनर्जी जलेगी, एनर्जी प्राप्त होगी। उसके बाद में एक आखिरी चरण आता है जो खाना बेकार हो जाता है उसको बाहर निकालना। सभी लोग को मालूम है कि जैसे अगर खाना पकाने के लिए जैसे सब्जी वगैरह लाई जाती है तो सब्जी को का जरूरत वाला भाग निकाल लिया जाता है और अनावश्यक भाग को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, उसका प्रयोग सब्जी बनाने में नहीं किया जाता है। तो सेम टू सेम हमारी बॉडी में भी यही प्रक्रिया होती है। अगर बात करें पाचन की, ठीक है, तो पाचन के एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है जिसको हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। यानी खाना उसी तंत्र में, उसी सिस्टम में आकर के हमारा पचेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज हमारी क्या है कि स्ट्रक्चर की बात कर लें, आखिर में पाचन तंत्र हमारा होता कैसे है। हमारी बॉडी के अंदर जो पाचन का तंत्र होता है, यानी पचाने वाला जो सिस्टम होता है, वो कैसे होता है। देखिए, हम लोग बात कर लें अगर, तो देखिए सबसे पहले मुख होता है, मुख से खाना को खाया जाता है। खाना जो है दांतों के माध्यम से थोड़े छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है और फिर उसके बाद में एक जुबान पर ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां। मुंह में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, लार ग्रंथियों की संख्या होती है तीन जोड़ी। तीन पैर में इनकी संख्या होती है, तीन जोड़ी का मतलब छह संख्या में पाई जाती हैं। देखिए, इसमें अगर नाम की बात कर लें, ठीक है, तो ठीक है, पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड हो जाएगी, ग्लैंड, ठीक है, सब लिंगुअल, और सब मैक्सिलरी। ये तीन मैक्सिलरी, ठीक है, ये तीन जो हैं ग्रंथियां होती हैं, इनको पैरोटिड की ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, कर्णपल्लव, ठीक है, और एक होती है अधो अनु और एक होती है अधो जिह्वा। ये हिंदी में नाम हो गए, ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो अंग्रेजी में नाम हो जाएंगे। यानी तीन जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे पाचन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब खाना जुबान पर आएगा, यहाँ पर लार ग्रंथियां निकलेंगी, लार ग्रंथियों से लार निकलेगी और वहाँ पर जो एंजाइम स्रावित होता है उसको टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। टाइलिन एंजाइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जो कि खाने की जो मंड होती है उसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसी एंजाइम की वजह से हमको खाना मीठा लगता है। आगे बात कर लें, ये जो ये वाली पार्ट है इसको बोलते हैं, शुरू वाली पार्ट को ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी माने अंदर की ओर जब खाना प्रवेश करेगा, एक नलिका के माध्यम से खाना अंदर की ओर जाएगा। फिर ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ग्राफ नली, यानी जूस नली से खाना अंदर की ओर आएगा, उसे ग्राफ नली बोलेंगे, ठीक है। और इसी में ही यही पर एक वॉल्व लगा होता है
ठीक है, और उसके बाद में ये बगल में श्वास नली होती है, यहाँ से एक ही नली होती है, सभी लोग देख रहे हैं मुंह माउथ का जो पार्ट होता है यहाँ से केवल एक ही नली होती है, लेकिन बाद में यहाँ पर नली दो हो जाती है, यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है, आप लोग देख रहे हैं ये वॉल्व लगा है, यहाँ पर होता क्या, देखिए अंदर एक वॉल्व लगा होता है, वो क्या काम करता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्राफ नली को बंद कर देता है, और जब खाना खाते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे एक नली से दो काम हो सके। आगे क्या होगा, खाना जो है सीधे अमाशय में आएगा, ठीक है, यानी खाना यहाँ से होता हुआ सीधे अमाशय में आएगा, ठीक है, अमाशय में खाना लगभग 2 से 3 घंटा, ठीक है, 2 से 3 घंटे रुकता है। अब अगर खाना यहाँ पर रुकेगा इतने टाइम, ठीक है, तो खाना बेकार होने का डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पाइलोरिक ग्लैंड जिनको बोला जाता है, उन ग्रंथियों से रस निकलता है, अम्ल एसिड निकलता है, और इस एसिड का नाम है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोला जाता है, खाने में मिल जाता है जिसे खाने को एसिडिक कर देता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर खाने की लुगदी बन गई, यानी खाना पचने योग्य हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेगा तो ये पार्ट हमारा कहलाता है, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट कहलाता है ग्रहणी वाला पार्ट कहलाता है। ग्रहणी में ही लीवर लगा होता है, यकृत लगा होता है। अगर लीवर की बात कर लें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि लीवर होती है, किडनी होती है, ठीक है। किडनी से यानी लीवर से लीवर से देखिए लीवर से क्या हो रहा है, हमारा बहुत प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, पाचक एंजाइम, जो कि खाने में मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक होता है पित्त रस का श्रावण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो लिख लीजिएगा यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है, यकृत से, ठीक है। अब पित्ताशय क्या होता है, पित्त रस को स्टोर रखता है, ठीक है, पित्त रस को स्टोर रखता है, स्टोर माने इकट्ठा रखता है, ठीक है, इकट्ठा रखता है पित्त रस को, इसलिए इसको पित्ताशय बोल दिया गया, पित्ताशय से पित्त रस मिलेगा यहाँ पर आकर के, ठीक है, खाने के माध्यम को बदल देगा, खाने का माध्यम हमारा एसिडिक हो गया था, अब खाने का माध्यम बेसिक हो जाएगा, निछारी हो जाएगा। फिर आगे आगे बात कर लें जो हमारी, अब अगला जो अवशोषण होता है, यहाँ तक तो था हमारा कि पाचन योग्य खाना बनाया गया, अब इसके बाद में खाने का होगा अवशोषण, यानी उनको हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हमारी ये जो आंतें हैं, इस आंत को ये जो डार्क मोटी वाली है इनको बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है, क्या बोल देते हैं भैया, बड़ी आंत बोल देते हैं, ठीक है। और ये वाली जो छोटी छोटी बहुत ही ज़्यादा कुंडलित होती है इसको छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है, ठीक है, वो होती है 1 से 1.5 मीटर की, ठीक है, 1.5 मीटर की इसकी रेंज होती है, यानी लंबाई होती है, और ये से लिए लगभग 6 से 7 मीटर की लंबाई होती है। खाना सबसे पहले कहाँ आएगा, सबसे पहले जो खाना है वो छोटी आंत में आएगा, यानी खाना इस आंतों में आएगा। आंतें जो होती हैं वो 3 पार्ट में बटी होती हैं, इनको कहेंगे हम लोग, ठीक है, क्षुद्रांत, ठीक है, और मध्यांत और शेषांत, इस तरीके से हमारा बटा होता है। इन्हीं आंतों में एक प्रकार की अंगुली जैसी सदृश रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको चूसक बोला जाता है या रसांकुर बोला जाता है, ठीक है। रसांकुर के माध्यम से खाने में जो हमारा महत्वपूर्ण पदार्थ होता है उसको सोख लिया जाता है, और शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड वेसल्स द्वारा पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद में जो खाना, ठीक है, अब खाने में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो नहीं पच पाता है वो बड़ी आंत में आ जाता है, ठीक है। अब बड़ी आंत में आने के बाद में यहाँ से भी अगर ज़रूरतमंद कोई चीज़ उसमें इकट्ठा है तो उसको निकाल लिया जाता है, और बड़ी आंत के माध्यम से गुदा द्वार के द्वारा उसे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, मलाशय होता है। मलाशय का मतलब मल को, यानी मल पदार्थ जो होता है वो एकत्रित होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये था पूरा हमारा आज का पाचन स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके अंतर्गत होने वाली समस्त क्रियाएं क्या क्या होती हैं, कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, तो ये अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपके पास बुक है तो चित्र बनाएं, चित्र को याद रखने की कोशिश करें। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं एक एक जगह ही करके लिखवा दूंगा, जिनसे सभी को याद करने में आसानी हो, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जो वीडियो आप लोग को मिल रहा है इस वीडियो को पूरा देखें, और आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।